जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हुई पूरी, नगर पंचायत में बने इतने बूथ, क्या है तैयारियां? ईओ ने दी जानकारी। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है तराल फूड कोर्ट। यहां आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने, स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है तराल फूड कोर्ट। तराल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोहनलालगंज की सुरक्षित सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में प्रशासन ने भी मतदान को लेकर अपनी कमर कस ली है। नगर पंचायत प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नगर पंचायत प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली भी निकलवाई थी। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसकी जानकारी नगर पंचायत सिधौली के अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने दी। लोकतंत्र के महापर्व पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जो है नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव जी हैं। आपको बता दें कि 20 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है, और आइए मैडम से जानते हैं कि 20 मई को जो चुनाव होना है, नगर पंचायत की तरफ से क्या तैयारी है? सबसे पहले हमारे यहाँ जो 6 सेंटर हैं, हम लोग उसको अलग अलग थीमों पे सजा रहे हैं। जैसा कि सीडीओ मैम ने हम लोग को एक थीम भी दी हुई है, जो हमारा गांधीनगर इंटर कॉलेज है उसको हम लोग जो है RRR उस पर सजाएंगे, यानी रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इस कॉन्सेप्ट पे सजाएंगे। और जो हमारे पहले 10 मतदाता आएंगे वोट करने, उनको हम लोग जो है जैविक खाद निःशुल्क गिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो 100 मतदाता होंगे उनको हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग वो ना करें, इसके लिए हम लोग खुद से बने हुए जो हमारे कर्मचारी ने झोले बनाए उसका वितरण करेंगे। दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर जो है जिले से हम लोग को प्राप्त हुई है वो रखी जाएंगी सारे सेंटरों पे। इसके अलावा उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी हमारी तरफ से की गई है, और जो मतदाता है उनको धूप ना लगे तो हम लोग हर उस पर शेड की भी व्यवस्था की गई। फर्स्ट वोटर जो है उनको रुझाने के लिए क्या करें नगर पंचायत? सबसे पहले तो हम लोगों ने जब से ये हमारा हुआ था तो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, कई कोचिंग सेंटर्स में जाके हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जो छात्र 18 वर्ष के ऊपर थे, जो मतदाता थे नए, उनको हम लोगों ने इसका महत्व समझाया। इसके अतिरिक्त हमारे सफाई कर्मचारियों ने एक रैली भी निकाली थी, महिलाओं की एक स्कूटी रैली भी निकाली गई थी नगर के द्वारा। इसके अतिरिक्त अब हमारे पास जो भी इधर समय बचा है तो हम लोग अपने सफाई मित्रों के माध्यम से इसको आगे प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जागरूक किया जा सके। चुनाव में तो सरगर्मी बढ़ रही है, पर देखा जाए तो मौसम का भी मिजाज जो है गर्म होता जा रहा है, तो मतलब मतदाताओं के आराम के लिए क्या सुविधा दी जा रही है? देखिए, जितने भी हमारे सेंटर हैं, जो हमारे बूथ है उस पर सबसे ज़्यादा शेड लगा होगा, पेयजल उनके लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो है जब भी वो आएंगे तो पानी के टैंकर होंगे, पानी के टैंकर के अतिरिक्त हम लोगों ने अपने वाटर कैन रख पाए हैं जिसमें उनके लिए थोड़ा सा रसना या कुछ डलवा दिया जाएगा जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मैम, जैसे बूथ है तो हर बूथ का अलग अलग रंग आकार दिया गया है जी, कितने बूथ हैं लगभग? हमारे यहाँ 22 बूथ है जिसमें से हम लोगों को प्राथमिक विद्यालय जो डाक बंगले के बगल में उसको नगर पंचायत से दौली को सजाने के लिए दिया गया है, और जो बहादुरपुर वार्ड है पिंक बूथ है उसको पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया है डेकोरेशन के लिए,
कन्या पाठशाला को, रामेश्वरम विद्यालय को दिया गया डेकोरेशन के लिए, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर पंचायत की है कि सारे जो भी हमारी पोलिंग पार्टियां हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, जो हमारे मतदाता हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए सारे जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब पे शेड रहेगा, पानी पीने की व्यवस्था रहेगी, और इसके अतिरिक्त जो है अगर जहाँ टॉयलेट की दिक्कत है तो वहाँ मोबाइल टॉयलेट के माध्यम से चीजें कराई जाए। उन्होंने बताया कि सिधौली नगर पंचायत में कुल 22 बूथ बनाए गए हैं, बूथों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा सजवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मोहल्ला गांधीनगर स्थित श्री गांधी इंटर कॉलेज में बनने वाले बूथ समेत सभी बूथों को अच्छे से सजाया जाएगा। पहले 10 मतदाताओं को जैविक खाद उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि बहादुरपुर वार्ड में पिंक बूथ बनाया जाएगा, विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।